बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आल फॉर यू कुकिंग एंड व्लॉग में आपको खुशामदीद। कुल्फ़ा तो सब ने ही खाया होगा, मौसम की सब्ज़ी है और बड़ा अच्छा लगता है और मैंने भी लिया। और आज मैं आपको कुल्फ़े की सब्ज़ी बना रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, लेकिन आज बहुत ही डिफरेंट किस्म की कुल्फ़े की रेसिपी है, कहीं नहीं आपने देखी होगी। बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत जायकेदार होगा, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को बस आपने एंड तक देखना है, लाइक कमेंट शेयर आपने लाजमी करना है। नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पर मैंने एक गिट्ठी ली कुल्फ़ा, धोकर मैंने उसको इस तरह बारीक काट लिया, मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं आपने काटना, पत्ते पत्ते इसके थोड़े से आधे आधे काट लें, नज़र आना चाहिए। एक गड्ढी है, मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है इसका, पानी ड्रेन होने के लिए मैंने इसको एक जाली में रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप घी, इसमें मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, ठीक है, और एक चाय का चम्मच, एक खाने का चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। हल्का सा इसको करेंगे फ्राई, साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती रहूँगी, आपने मेरे साथ साथ रहना है। सपोर्ट करें मुझे प्लीज़, मेरा वॉश टाइम नहीं पूरा हो रहा, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है मुझे। मेरा वॉश टाइम पूरा होगा तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, इस वजह से कि आप लोग मेरी वीडियोज़ ही नहीं देखते, अगर देखते हैं बस थोड़ी सी देखते हैं, इससे ज़्यादा पूरी वीडियो ही नहीं देखते, मेरा टाइम पूरा ही नहीं हो रहा। तो लहसुन अदरक हमने कड़कड़ा लिया, और अब हम इसमें डाल रहे हैं दो दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज, इसको हमने हल्का गोल्डन करना है। तो प्याज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हल्की सुनहरी हो गई है। अब हम इसमें तीन अदद टमाटर का पेस्ट जो है वो शामिल कर देते हैं। आप चाहें तो टमाटरों को काट के भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर का पानी जो है वो खुश्क करेंगे जी। तो टमाटरों का पानी थोड़ा सा हो गया है कम, तो हम डालेंगे इसमें मसाले। तो हसबी ज़रूरत मैंने नमक लिया है एक चाय का चम्मच, आप अपनी मर्ज़ी से डालें। दड़ा मिर्च हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि कुटी हुई मिर्च, तो मैंने एक चाय का चम्मच लिया है, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हल्दी है, और आधी चाय की चम्मच से थोड़ी सी कम है लाल मिर्च, और ये है धनिया पाउडर, अभी मैं फ़िलहाल इतना डाल रही हूँ, बाद में मैं शामिल करूँगी। तो आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम है, गर्म मसाला मिक्स है मेरे पास पिसा हुआ, ये आधी चाय की चम्मच से कम है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो तमाम मसाले शामिल किए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है आपने कि आपको कैसी लग रही है रेसिपीज़ मेरी। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए और मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। देखिए मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए और चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए, और आपका वक्त भी ज़ाया नहीं करती फजूल बातों में, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ और जल्दी से ख़त्म करके तो वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो आप लोगों को भी मेरा साथ देना चाहिए। तो यहाँ पर हम मसाले को भूनेंगे घी अलग होने तक। अच्छा जी, तो मसाला जो है ना वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सा हो गया है फ्राई, भुन चुका है, घी अलग हो गया इसका, देखें। और यहाँ पर जो कुल्फ़ा है हमारे पास, ये हम शामिल करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और इसको जो है ना मिक्स कर देंगे साथ साथ ताकि नीचे मसाला ना लगे, साथ साथ मिक्स करते रहेंगे हम इसको। देखें अच्छे से कढ़ाई को नीचे से साफ़ होना चाहिए, जो भी चीज़ जल जाती है ना नीचे लगती है ना जो तले के साथ, तो वो उसका टेस्ट जो है ना टोटली ख़राब हो जाता है, यकीन करें वो टेस्ट ही नहीं रहता। तो इस बात का ख्याल रखा करें, और कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो इस बात का भी ख्याल रखा करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब वो चीज़ें डाल रहे होते हैं, धो रहे होते हैं, धोते वक्त भी गिराते हैं बहुत सारी, और जब वो डाल रहे होते हैं तो आधी चीज़ जो है ना वो बर्तन में ही लगी रह जाती है और वो उसको ज़ाया कर देते हैं। तो ये बहुत सख्त गुनाह है, इस तरह मत किया करें। अल्लाह ताला ने हमें जो रिस्क दिया, जो नेमतें दी हैं, उनकी कदर किया करें, तो जायका भी बढ़ता है और बरकत भी होती है इस तरह। तो सारा हमने डाल दिया इसमें कुल्फ़ा, ठीक है, इसको मिक्स किया, और पानी नहीं आना चाहिए ना, याद रखिएगा इस बात को। और यहाँ पर हैं जी मेरे पास आलू, ठीक है, तीन अदद आलू थे मैंने दरमियाने साइज़ के छील कर धोकर मैंने पानी में डाल दिए ताकि कलर ना ख़राब हो इनका। तो मैं आलू भी यहाँ पर शामिल कर रही हूँ, आप देखते जाइएगा, अभी मज़ीद चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पर ही वीडियो एंड नहीं हो रही। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं आलू और कुल्फ़ा बना रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ और बहुत शॉर्ट करके बनाती हूँ, मैं वक्त ज़ाया नहीं करती आप लोगों का, मुझे एहसास है इस बात का। तो यहाँ पर आलू भी मैंने मिक्स कर दिया, अब हम इसको ढक देते हैं स्लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए,
10 मिनट बाद मिलती हूँ। जी तकरीबन 12 मिनट हो गए हैं, तो हम उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं, यकीन करें। और ये देखें, इसका पानी जो है वो खुश्क होने के करीब है, और इसमें आलू भी गल चुके हैं तकरीबन। नीचे से हिला देते हैं ताकि जो नीचे थोड़ा सा भुना हुआ है उसको भी मौका मिल जाए सबके साथ मिलने का। ठीक है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 कप दाल चना मैंने भिगोकर उसको बॉईल कर लिया था। खड़ी खड़ी है ये दाल, और लेकिन फुल बॉईल है। तो यहाँ पर मैं ये डाल देती हूँ। ठीक है, दाल चना मैंने डाल दी है। मिक्स करते हैं इसको। नमक आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, यकीन करें। और यहाँ पर मैं डालूँगी 1/2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर। ठीक है, यहाँ पर शामिल कर दिया। इसको मिक्स कर देते हैं। और कुछ देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको दम पर रखते हैं। तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खुशबू तो मैं आपको समझा नहीं सकती। तो इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे हम, ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। 2 मिनट तकरीबन इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जी तकरीबन पानी खुश्क हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास है हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चें, तो हम ये डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, और गरम मसाला डाल देते हैं पिसा हुआ 1/2 चाय के चम्मच। और इसको मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देते हैं फ्लेम ऑफ करके। और फिर मैं आपको डिश आउट करके इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो बन चुकी है हमारी, इतनी मज़ेदार डिश, तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। तो तैयार है हमारी चने की दाल, आलू और कुल्फे की सब्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान थी, बहुत मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करना है आपने। नए आने वाले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।